अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेहर जुगल प्रा मुकद्दस मार्केट के खान पेशावर से आप लोगों की खिदमत में मुखातिब हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा और खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो वही बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि हमें वो M4 दिखाइए, तो अभी हमने M4 की वीडियो लाई है। तो वो भी जो लाइसेंसेबल है कि जो M4 पे आया है, तो उसके में आप लोगों को जो है ना वो ब्राज़ील मेड है T4। आप देख सकते हैं T4 की मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में इसका रिव्यू भी दूंगा। तो ये ब्राज़ील मेड T4 है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसकी आज हमें रिव्यू दूंगा और इसके साथ इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों को M4 दिखाऊंगा कि इसके लैंड वाइड और किस तरह बनाया हुआ है, ब्राज़ील ने जो बनाया है बहुत ही खूबसूरत और हाई क्वालिटी के। तो इस वीडियो के लिए आप हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं और शुरू करते हैं टोरस T4 ब्राज़ील मेड M4 की अनबॉक्सिंग। तो आप लोगों का भी दिखाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे साथ इसकी अनबॉक्सिंग हुई T4, मतलब टोरस ब्राज़ील मेड T4 M4 जो हम कहते हैं, इसके हमने अनबॉक्सिंग की आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले मैं इसकी टूल से शुरू करता हूं, बाद में T4 की थोड़ा सा रिव्यू देता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी टूल दिखाता हूं, इसके साथ इजाफी क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका मैनुअल बुक आप लोगों को दिखाऊँ कि आप मैनुअल बुक आप देख सकते हैं, जो टोरस T4 सीरीज जो ब्राज़ील मेड है, ये उसकी मैनुअल बुक है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। इसका मैनुअल बुक है जो ब्राज़ील लैंग्वेज में और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी मुकम्मल डिटेल मौजूद है इस मैनुअल बुक में। इसके अलावा हम आते हैं इसके मैगज़ीन पे। तो दोस्तों, इसके साथ दो इजाफी मैगज़ीन हैं जो बिल्कुल सी पैक है, कंपनी की तरफ से आए हैं। ये 30 राउंड वाला दो मैगज़ीन इसके साथ आया है कंपनी की तरफ से, अब जो ब्लैक कलर में है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी आता हूँ और इसके साथ किया कि इसके साथ और क्या फूल है। तो दोस्तों, इसके साथ एक स्लैंग है जो बिल्कुल ही सिल पैक है, कंपनी की तरफ से आया है, आप देख सकते हैं। तो ये कंपनी की तरफ से एक स्लैंग आया है बिल्कुल ही ओरिजिनल। इसके साथ मैं आता हूँ और फूल के साथ और क्या फूल से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके साथ दो क्लीनर राड है, ये इसके साथ दो क्लीनर राड है जो ये भी कंपनी की तरफ से आया है, इसकी सफाई के लिए दिए है, जो ये बिल्कुल ही कंपनी की तरफ से सब सामान आया है। तो मैंने आप लोगों को फूल दिखाया, इसके बाद हम आते हैं M4 पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये ब्राज़ील मेड है, ठीक है, आप देख सकते हैं टोरस ब्राज़ील मेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्राज़ील ने बनाया है, T4 को कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत और आला क्वालिटी के बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे टोरस भी लिखा है, ये सेप है और सीमे है, ये सीमा ऑटोमेटिक है, ठीक है, इसमें ऑटो नहीं है, ब्रश नहीं है, ठीक है। तो इसका बस टाक है, आप देख सकते हैं, ये इसका बस टाक है जो हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, थीके? और ये जो हम हैंड ग्रेप है यहाँ पे एक लगाया है, ठीक है। तो आप इसको दूर भी कर सकते हैं, यहाँ पे दूरबीन लेज़र लाइट वगैरह भी लगा सकते हैं, फिट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? तो और ये इसका हैंड ग्रेप ये है कि इस पे चेक रिंग भी दिया गया है, तो बहुत ही अलग क्वालिटी के है। और ये भी देख सकते हैं कि 5.56 mm है T4, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट साइड है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसका ये इसका रियर सेट है और ये इसका फ्रंट सेट है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अलग क्वालिटी के है बनाया है, आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। ये मुकम्मल पोअर स्टील का बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को इसको मैगजीन में भी दिखाते हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं मैगजीन के हालत में और भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसके साथ दो मैगजीन है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि इसके मतलब टोटल लेंथ कितना है, इसके मतलब ओवरऑल लेंथ कितना है, और इसके साथ साथ इसके बैरल की लेंथ कितना है। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी हम डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये T4 टोरस ब्राज़ील में सीमा ऑटोमेटिक M4 है। इसके साथ दो मैगजीन है जो 30 राउंड्स के है। इसके साथ जो है गार्ड जो है ना इसके अलमुनियम की बनाई हुई है, और इसके अलावा इसकी बैरल की जो लंबाई है, इसकी बैरल की लंबाई है 292.1 mm। आप देख सकते हैं कि इसकी बैरल की लंबाई है 292.1 mm लंबाई है इसकी बैरल की। और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ये नेटो कार्बर्जिंग मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसके बैरल में, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका ओवरऑल लेंथ जो है ना 716 mm है, मतलब जब इसका बट स्टॉक बंद हो तो इसका टोटल लंबाई जो है ना इस बंदूक की 716 mm है।
और इसके अलावा जब इसका फोल्डिंग आप इसको खोल दे तो फिर इसकी लंबाई जो होता है वो है हमारे साथ 811 mm, फिर इसकी लंबाई जो होता है 811 mm होता है। इसके अलावा खाली जब इसमें मैगजीन ना हो तो इसकी वज़न पैर होता है हमारे साथ 3.050 kg, ठीक है, और जब इसमें खाली मैगजीन हो तो फिर इसकी वज़न जो है ना वो है 3.200 kg है, 3.200 kg जब इसका मैगजीन खाली हो और बंदूक में हो। तो ये थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन थी, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लिंक पे मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर और आजकल मार्केट में इसके रेट जो चल रहा है वो हमारे साथ है, मतलब मार्केट का जो रेट चल रहा है ये 3,20,000-3,30,000 तक चल रहा है मार्केट में। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे साथ रहिए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।